कील काटे बैरियर मतलब किसानों को रोकने की हर संभव कोशिश जारी है। दिल्ली कूच करने निकले पंजाब के किसानों ने आंसू गैस के गोले ऐसे हवा कर दिए जैसे उनका किसानों पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। शंभू बॉर्डर समेत दिल्ली से लगते अन्य बॉर्डर्स पर किसानों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है, जहां देखा यह जा रहा है कि किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। आंदोलनकारी किसान फिलहाल अंबाला के शंभू बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं। किसान अपने साथ ट्रैक्टर और अन्य सामान भी लेकर चल रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग भी की गई है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। राहुल की यात्रा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में थी। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इंडिया की सरकार आएगी तो MSP की गारंटी किसानों को देंगे। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शुरुआत है और सरकार आएगी तो वो MSP के लिए कानून बनाएगी। कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम MSP की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे और ये हमारी शुरुआत है। हमारा मैनिफेस्टो बन रहा है, उसमें हमारा डिस्कशन चल रहा है। ये हमने आपको सिर्फ पहली बार बोली है, इसके आगे भी हम अपने मैनिफेस्टो में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम करने जा रहे हैं। दरअसल पंजाब हरियाणा के किसान MSP की लीगल गारंटी समेत कई मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। हजारों की संख्या में किसान शंभू बॉर्डर पहुंच चुके हैं। किसान बैरिकेडिंग को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि शंभू बॉर्डर पर तो किसानों ने एक सुरक्षा लेयर को हटा दिया है, वहीं दूसरी ओर किसानों को पीछे हटाने के लिए पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले भी दागे गए। किसानों का कहना है कि सरकार MSP के लिए कानून बनाए जिससे कि उनको गारंटी मिल सके। किसानों के दिल्ली कूच करने से पहले सोमवार को केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के साथ साथ पीयूष गोयल ने चंडीगढ़ में किसान नेताओं के साथ कई घंटे तक बैठक की, लेकिन बात नहीं बन सकी। हालांकि कई मांगों पर सरकार सहमत थी, लेकिन किसान MSP की गारंटी और कर्ज माफी पर अड़े हुए हैं। लिहाजा बातचीत बेनतीजा होने के बाद किसान आज दिल्ली की ओर कूच कर चुके हैं। बहरहाल पंजाब के किसान दिल्ली कूच के बीच हरियाणा में एंट्री कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा और पंजाब से लगते सभी बॉर्डर हरियाणा सरकार की ओर से बंद किए हुए हैं। ऐसे में किसानों और पुलिस के बीच लगातार टकराव जारी है।